हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड बाय बिमोला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बच्चों के वार्डरोब को कार्डबोर्ड की मदद से कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एज़ यू कैन सी, मैंने इस कैबिनेट के अंदर अपने बेटे का कपड़ा रखा हुआ है जो कि दिखने में काफ़ी अनऑर्गेनाइज है। मुझे जब भी इनमें से कोई कपड़े निकालने होते हैं, या तो वो मुझे कभी टाइम पर नहीं मिलते, या फिर किसी एक कपड़े को निकालते वक्त बाकी कपड़े बिखर जाते हैं। इसलिए मैं करने जा रही हूँ अपने बेटे के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा कार्डबोर्ड। वैसे तो आप ऑर्गेनाइजर्स मार्केट से भी ले सकते हैं, बट वाई टू बाय वन यू कैन मेक इट। और साथ ही मैं ले रही हूँ ऐसे दो कलर्ड गिफ्ट पेपर जो कि दूसरी साइड से बिल्कुल प्लेन होती है। अब इस कार्डबोर्ड को गिफ्ट पेपर के ऊपर रख के मैं इसका मेजर ले रही हूँ। मेजर लेने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक पेपर कटर की मदद से इस पेपर को कट कर लेंगे। उसके बाद आपको एक ग्लू की मदद से इन पेपर्स को कार्डबोर्ड के साइड में पेस्ट कर देने हैं, और जिस साइड पेपर थोड़े से एक्स्ट्रा हो वहाँ आप पेपर को फोल्ड करके ग्लू लगा सकते हैं, एज इफ यू आर रैपिंग अ गिफ्ट। दोस्तों, ऐसा ऑर्गेनाइजर्स बनाना बहुत ही ईजी है, और ऐसा करने से कार्डबोर्ड के रीयूज भी हो जाते हैं। वैसे तो हम काफ़ी चीज़ें कूड़ा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन हम अगर उसे रीयूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट को साफ रखने में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत पेपर बच जाते हैं तो आप इन साइड्स को भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दो ऑर्गेनाइजर्स रेडी कर लिए हैं। और साथ ही मैंने अपने बेटे के कपड़ों को भी सॉर्टिंग कर लिया है। ये उसके कुछ नए कपड़े हैं जो कि फ़िलहाल वो नहीं पहनता, लेकिन अगले कुछ महीनों में उसको बिल्कुल फिट आ जाएंगे। तो मैं इन नए कपड़ों को एक साथ एक ऑर्गेनाइज़र में सेट करके रख रही हूँ। तो उसके सारे पैंट्स को नीचे रखे हैं और ऊपर रख रही हूँ मैं उसके शर्ट और टी शर्ट्स। और इसको अब हम रख देंगे वार्डरोब के अंदर। एज़ यू कैन सी, आप इस ऑर्गेनाइज़र को आसानी से ड्रैग करके आप अपने कपड़े निकाल सकते हैं। और इस खाली स्पेस में मैं रखने जा रही हूँ अपनी दूसरी ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मैं रखने जा रही हूँ उसके डेली यूज़ वाले कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट और शर्ट्स। पहले की तरह मैंने सारे पैंट्स को नीचे रखा है और उसके ऊपर रखा है मैंने कुछ शर्ट्स, और जो भी स्पेस खाली बचा है वहाँ मैं टी शर्ट्स को इस तरह से रोल करके रख रही हूँ। ऐसा करने से सारे टी शर्ट के कलर आपको दिख जाते हैं और जो भी आपको चाहिए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हैं उसके विंटर के कुछ कपड़े, और इनको भी मैं सॉर्ट करके नीचे वाले पार्ट में सेट कर दूंगी। और ये हॉलीडे इनका गिफ्ट बॉक्स है जो कि कलरफुल होने की वजह से मैंने इसे रख लिया था। और इसमें मैं रखने जा रही हूँ उसके कुछ छोटे छोटे आइटम्स जैसे कि हैंड ग्लव्स, सॉक्स। फ्रेंड्स, अगर आप सॉक्स को इस तरीके से एक दूसरे के अंदर डालकर रोल करके रखते हैं तो इनके पेयर्स कभी खोएंगे नहीं, और ये कम स्पेस में ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। और ऐसा रखने से आप कोई भी सॉक्स को आसानी से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। और ये मैं रख रही हूँ उसका बो बेल्ट, और साथ ही रख रही हूँ मैं ये कुछ अंडरगारमेंट्स। और इस बॉक्स को मैं रख रही हूँ कैबिनेट के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में। ये है उसके कुछ एथनिक वेयर, कुर्ता पजामा वगैरह, और साथ में है ये कुछ रोम्पर्स जो कि अभी विंटर में इसके बहुत काम आएंगे। इनको मैं यहाँ साइड वाले कॉर्नर में रख रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल अभी इसका इतना यूज़ नहीं है। और उसी के ऊपर मैं रख रही हूँ उसके कुछ हैंकी, और इस लेफ्ट साइड वाली कॉर्नर में मैं रख रही हूँ उसके स्कूल बुक्स। और ये सारे हैं मेरे बेटे के कुछ फेवरेट टॉयज जिनको मैं इस पिंक कलर के बास्केट में रखूँगी। ये पर्पल वाली कार तो उसकी फेवरेट है, कभी कभी तो वो इसे लेकर सो भी जाता है। अगर आपके बच्चों का भी ऐसा कोई फेवरेट टॉय है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस बास्केट को मैं रख रही हूँ यहाँ इन बुक्स के ऊपर,
क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पेस बच रहा था। और ये दो हैं उसके हैंडी बुक जो कि वो बेड टाइम पे यूज़ करता है। और ये ऊपर वाले सेक्शन में एक ड्रॉअर बना है जिसमें मैं उसकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, जैसे ओडोमॉस क्रीम पाउडर वगैरह वगैरह। इस साइड में मैं रखती हूँ उसके सारे ज़रूरत के मेडिसिंस। और यहाँ बीच वाली सेक्शन को मैंने खाली रखा है ताकि इमरजेंसी पर्पज़ से कुछ भी सामान रख सकूँ। और यहाँ ऊपर वाले पार्ट में मैंने रख दिया है उसका स्कूल बैग, और साथ ही ये सारे चीज़ों को मैं हटा रही हूँ। और उनके बदले मैं रख रही हूँ अपने बेटे का एक फ़ोटो जब वो करीब 9 महीने का था। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने वार्डरोब का फाइनल रिवील। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।